पूरा देश इस समय चुनावी मोड में है। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक राजनीतिक पार्टियां एक्शन में है और चुनाव जीतने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए वे जमकर प्रचार प्रसार भी कर रही है। इस बीच चुनाव से पहले भाजपा ने ऐसी छवि बना ली है मानो जैसे चुनाव में उसकी ही जीत होगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। वोटर को विश्वास दिलाया जा रहा है कि विरोधियों को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। बीजेपी वोटरों को बता रही है कि वे 2024 के चुनाव जीत चुकी है, उसका टारगेट तो 2029 का है। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी ने इस बार जो 400 पार का टारगेट सेट किया है, क्या वे उसे हासिल कर सकती है या क्या उसकी रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है, और अगर हाँ तो वे स्पीड ब्रेकर कौन है। लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी 80 सीट जीतने का दावा कर रही है। हालांकि उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यूपी में ही है, जहां उसे ठाकुरों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी से नाराज चल रहे ठाकुरों ने बीजेपी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, जगह जगह बीजेपी के प्रत्याशियों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में बीजेपी ने 70 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी को अब 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना है। बीजेपी ने इस बार गाजियाबाद के दो बार के सांसद रिटायर्ड जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया। यहां पीएम मोदी खुद रैली कर चुके हैं और सीएम योगी भी गाजियाबाद के कई दौरे कर चुके हैं। इसके बावजूद यहां बीजेपी का विरोध हो रहा है। नाराज लोगों को मनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है। गाजियाबाद से बीजेपी ने अतुल गर्ग, कांग्रेस ने डॉली शर्मा और बीएसपी ने नंद किशोर को मैदान में उतारा। गाजियाबाद का सियासी समीकरण देखे तो यहाँ 23% मुस्लिम, 15% दलित, 10% वैश्य, 9% राजपूत, 9% त्यागी और 7% जाट समुदाय है। वीके सिंह के टिकट कटने से ठाकुर समाज बीजेपी के सामने चुनौती बन गया है। हरियाणा की सिरसा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर का विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते तंवर को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। यहाँ किसान बीजेपी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। यूपी और हरियाणा की तरह ही बीजेपी को उत्तराखंड में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह पूर्व सैनिक बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं। पंजाब में किसान बीजेपी के लिए स्पीड ब्रेकर बनकर खड़ा है। यहाँ किसानों ने बीजेपी के उम्मीदवारों के विरोध का ऐलान किया। इतना ही नहीं, किसान 11 सवालों की एक लिस्ट तैयार कर चुके हैं। वोट मांगने आ रहे बीजेपी प्रत्याशियों से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी को राजस्थान में भी विरोध प्रदर्शन से 2-4 होना पड़ रहा है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले गुजरात में भी पार्टी के खिलाफ आवाज उठने लगी है। यहाँ राजकोट में राजपूत समाज के लोग केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने हाल ही में राजपूत समाज को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके चलते वे पुरुषोत्तम का टिकट रद्द करने की मांग पर अड़ गए हैं।